नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हो मैग्नेट थ्रेड। तो मैग्नेट थ्रेड फैमिली में फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं बताने वाला हूँ एक रफल दुपट्टे की कटिंग, जो कि हमने काफ़ी दिन पहले जो है नेट में जो कटिंग करके अपलोड किया था, उनमें उस वीडियो को जो है आप सभी ने यानी कि काफ़ी सारा प्यार दिया है। तो उनमें से जो है काफ़ी सारे व्यूवर्स का काफ़ी सारा कन्फ्यूजन्स है, काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ है मेरे पास, जिसको कन्फ्यूज मतलब दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसका रफल दुपट्टा का लेंथ जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला होता है, क्योंकि लेंथ का हमने बस एक छोटा सा राउंड सर्कल कट करके उसमें जो समझाया था। और इससे पहले वो लेंथ का मेजरमेंट जानने से पहले आपको सबसे पहले आपको नॉर्मल दुपट्टा का लेंथ कितना होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो नॉर्मल दुपट्टा का लेंथ 2.5 मीटर होता है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। और इसका चौड़ाई की अगर बात करें तो हम 1 मीटर रखते हैं और उसके बाद जो है जो भी हम बॉर्डर वगैरह ऐड करते हैं। तो अब रहा कि इसमें जो है हमें 2.5 मीटर हमें लंबाई निकालना है। तो 2.5 मीटर लंबाई जो अगर हमें निकालना है तो 2.5 मीटर यानी कि उसको अगर इंची में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, इंची में अगर करके देखेंगे कि हमारा कितना इंचेस होता है 2.5 मीटर का, तो यहाँ पे हमारा पूरा इंची टेप हमारा जो है 60 इंच का आता है। तो 60 इंच यानी कि 1.5 मीटर, तो प्लस अगर उसमें जो है हम 1 मीटर ऐड कर देंगे यानी कि 20 इंच, तो हमारा 2.5 मीटर का दुपट्टा रेडी हो जाएगा। वैसे ये रफल दुपट्टा है, आप चाहो तो इसको 2.25 मीटर में भी बना सकते हो। अगर आपको थोड़ा थोड़ा टॉल हो यानी कि मतलब आपका हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2.5 मीटर ही बनाइए। तो चलिए इसका कटिंग जो है पूरी विस्तारी से समझते हैं और इसका जो है हम पूरा आपको दिखा रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको इसी टाइप के डिज़ाइनर पीसेस के कटिंग स्टिचिंग की वीडियो रेगुलर मिलते रहता है। चलिए कटिंग को करते हैं स्टार्ट। अब ये जो सर्कल आप देख रहे हो ना, ये सर्कल तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात आप ध्यान में जो है एक बार रख लो। और ये इस टाइप से काफ़ी सारा वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं सोचा एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसका ऊपर से अगर हम पकड़ के खींचेंगे तो आप ऊपर की तरफ तो चलो मोटा मोटी रफल आ रहा है, बट नीचे के साइड में एकदम प्लेन आ रहा है। तो उस टाइप में बिल्कुल भी आपका रफल दुपट्टा सेम एज इट इज़ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ, और 3 मीटर कपड़ा में से यहाँ पे जो है थोड़ा सा कपड़ा हम यहाँ से निकाल दिए, इसीलिए निकाल दिए कि हमारा जो टोटल अरज की अगर बात करें तो हमारा जो है यहाँ पे 22 यानी कि 44 का जो इसका अरज है हमारा, तो 44 × 45 यानी कि हम एक ही चीज़ से ज़्यादा रख रहे हैं। तो हम जो कपड़ा को इक्वल कर लेना है, मतलब स्क्वायर कर लेंगे प्रॉपर तरीका से। तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद जैसे देखोगे तो आप यहाँ से 45 इंचेस हमारा है, 45 × 45 यानी कि हम इक्वल रख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है दोनों रफल दुपट्टा का दोनों लेयर को हम सेम रखने वाले हैं, हाई लॉ नहीं करने वाले हैं। अगर आप छोटा या बड़ा रफल करना चाहते हो, हाई लो मनी कि एक ज़्यादा बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो आपको बिल्कुल जो अलग अलग कटिंग करना पड़ेगा। अगर आप उस टाइप का चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके जो बता सकते हो, मैं उसका भी कटिंग अपलोड कर दूँगा। तो सबसे ज़्यादा आप इस वीडियो में लाइक आपका जो है मैटर करते, ज़्यादा अगर लाइक करते हो वीडियो को सपोर्ट करते हो तो ज़रूर मैं हाई लो कटिंग का भी जो बना के अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे जो है हमारा 45 × 45 होने के बाद जो हम इसको फोल्डेड कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल फोल्ड अब करने के बाद जो है यहाँ पे हमारा 4 पल्ला हुआ है, यानी कि 4 लेयर यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे पहला फोल्ड जो कि हमारा डबल था, अब दूसरा फोल्ड यहाँ पे हमारा 4 लेयर का आ गया। अब यहाँ पे जो है बीच में यानी कि मिडिल में स्किन रख के और एक बार फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल फोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा टोटल फोल्ड 8 हो चुका है, यानी कि 8 फोल्ड हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, यानी कि प्रॉपर डबल लेयर दुपट्टा के लिए जो हमारा ये फोल्ड जो है तैयार है, यानी कि रेडी है। अब इसमें जो हम इजीली कटिंग करके जो हम यहाँ पे जो 2 लेयर का रफल दुपट्टा कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कॉर्नर से टू कॉर्नर मिलाकर हमें मिडिल सेंटर को एग्जैक्ट देखना है कि हमारा मिडिल सेंटर कहाँ पर आता है। तो यहाँ पे मिडिल सेंटर हो जाने के बाद अब आता है हमारा मिडिल सेंटर तो हो गया, अब हमें क्या करें, अब हमें दुपट्टा का लेंथ सोचना है कि हमें दुपट्टा का लेंथ कितना निकालना है। तो दुपट्टा का लेंथ हमें निकालना है 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर अगर हम दुपट्टा का लेंथ रखते हैं तो यहाँ पे हमारा 8 लेयर है, तो यहाँ पे 8 लेयर है, लेकिन हमें 4 लेयर का काउंटिंग करना है। तो 4 लेयर का काउंटिंग इसीलिए करेंगे क्योंकि हम जो है इसको डबल लेयर कर रहे हैं।
तो दुपट्टा का हम लंबाई जितना भी रखेंगे, यहाँ पे हम चार पल्ला गिनती कर रहे हैं, तो दुपट्टा का हमारा जितना भी होगा, जैसे कि ढाई मीटर रखेंगे तो ढाई मीटर को हम चार से जो है डिवाइडेड करेंगे, जितना भी हमारा निकल के आएगा उतना हमें रखना है। तो यहाँ पे अगर हम 25 × 4 करते हैं तो हमारा 100 inches होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, तो 39.5 inches से हमारा 1 meter हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा इंची टेप की अगर बात करें तो 60 inches का जो है हमारा इंची टेप होता है, तो 60 inches यानी कि 1.5 meter, तो यहाँ पे हमारा 1.5 meter हो जाता है। प्लस अगर हम इसमें जो है 40 inches ऐड कर लेते हैं तो हमारा 100 centimeter यानी 100 inches जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 100 inches कंप्लीट होना मतलब यहाँ पे हमारा 2.5 meter कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे मिडिल सेंटर में रखते हुए जो हमें जो है 25 लेना है, तो 25 अभी हम नहीं लेंगे मार्किंग के टाइम में। अब इस चीज़ को जो है ध्यान में रखना, क्योंकि हमारा दुपट्टा जो उड़े में कटिंग हो रहा है, बिल्कुल हम जो है उसका मिडिल पॉइंट से निकालेंगे तो जो दुपट्टा का लेंथ जिधर से भी कितेंगे उधर से बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें 23 inches लेना है, 2 inches बाद में बढ़ जाएगा। उसके बाद मिडिल सेंटर के पकड़ के इसको लास्ट टू लास्ट करेंगे, लास्ट टू लास्ट पकड़ के इसको जो हम इस टाइप से जो सर्कल को मतलब कपड़ा का जितना है लास्ट टू लास्ट तक हमें राउंड सर्कल कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हम चौक की मदद से आपको दाग लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम जूम करके भी आपको दिखाएंगे, ताकि आपको समझने में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे इस टाइप से एक बार जो है हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट करने के बाद आपको एक बार हम जूम करके भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर सर्कल अगर आप देखोगे तो हमारा राउंड यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे राउंड हो जाने के बाद अंदर का सर्कल हमें 23 इंचेस रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाद में अगर आप उसको मतलब कटिंग करने के बाद मापोगे तो वहाँ पे आपको 25 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि उरेल है तो कपड़ा हमेशा बढ़ता है। तो यहाँ पे जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सर्कल आप देख सकते हो कि ईजिली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा 8 फोल्ड में इस टाइप का सर्कल करना है। जो अंदर का देख लो इनटू क्या हुआ है, वो अंदर का सर्कल आपको 23 इंचेस रखना है, और बाहर का जितना भी मैक्सिमम आपका मतलब कपड़ा के ऊपर डिपेंड करता है। आपका कपड़ा का अरज अगर ज़्यादा है तो ये आपका ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा दुपट्टा का चौड़ाई की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा 7.5 inches यहाँ पे रेडी, यहाँ पे जो हमारा कटिंग में आएगा। और यहाँ पे अगर रेडी दुपट्टे की बात करें तो हम यहाँ पे 8.5 inches से 8 inches तक हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि 7.5 inches ये रहेगा और 1.5 inches का हमारा पट्टी रहेगा। तो दोनों को मिला के अगर प्लस कर देंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से जो है दाग लग जाने के बाद आपको जो है कटिंग करना है। तो कटिंग करने से पहले जो है आपको एक स्ट्रेट दाग लगाना है। तो यहाँ से पकड़ के कहीं से भी पकड़ के आप स्ट्रेट दाग लगा दोगे, तो चलो वो चीज़ आपको हम कटिंग करने के टाइम में जो बता देंगे। तो यहाँ पे दुपट्टा का आप यहाँ पे चौड़ाई देख सकते हो, 7.5 inches हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको नाप के देख लेना है, आप जब बनाओगे तो चौड़ाई आपको कितना चाहिए। चौड़ाई अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको इससे ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा, इसका नो डाउट। तो चलिए इसको जो है एक बार कटिंग कर लेते हैं। हमारा बाहर का जो सर्कल है वो कटिंग होकर रेडी हो जाता है। उसके बाद आपको एक स्ट्रेट स्केल की मदद से यहाँ पे जो एक स्ट्रेट चौक की मदद से मार्क करना है, और मार्क करने के बाद आपको कटिंग करके निकालना है। तो चलो इसको भी जो कटिंग करके निकाल लेते हैं। इस
टाइप से जो है हमारा कटिंग होकर यहाँ पे ये भी निकल जाता है। तो निकलने के बाद आपको करना क्या, आपको हम इंची टेप की मदद से जो है 25 इंचेस माप के दिखा देते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि 23 इंचेस लेना है और यहाँ पे अगर आप कटिंग के बाद मापोगे तो 25 इंचेस आ जाएगा। तो चलो इस टाइप से आपको पकड़ना है। यहाँ पे हमारा पूरा 8 पल्ला है, यहाँ पे आपको 4-4 पल्ला अलग अलग करके जो आपको सिलना है, सिल के उसके बाद जो है आपको दोनों को मापना है। तो यहाँ पे आपको जो हम आपके दिखा देते हैं कि इंची टेप की मदद से कि हमारा यहाँ पे प्रॉपर एग्जैक्ट कटिंग होने के बाद कितना आ रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था 23 इंचेस काटेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 25 जो ऑलरेडी आ चुका है सिलाई मार्जिन को छोड़ के। तो यहाँ पे जो है हमारा रफल दुपट्टा इस प्रकार जो है कुछ कटिंग होकर जो है रेडी हो जाता है। आपको अगर इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे आपका लंबाई कैसे निकालना है ये क्लियर हो जाता है। यहाँ पे कुछ मटेरियल यानी कि जो अंदर का सर्कल था यहाँ से हमारा 8 पल्ला जिसे हम कटिंग किए 8 पल्ला में से निकला है। इसको चाहो तो आप कुछ ऐड ऑन करके लटकन में के साथ जा सकते हैं। आप अगर क्रॉप टॉप के साथ अगर दुपट्टा या फिर लहंगा के साथ दुपट्टा को यूज़ करेंगे तो इजीली आपका लटकन के लिए मटेरियल निकल जाता है। इसके बाद आपको करना क्या है, 1-2 इंची का पट्टी निकालना है। तो इस स्टेट कहीं से भी काट के निकाल लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे कटिंग करके निकाल रहे हैं और निकालने के बाद वो पट्टी को हम अटैच करेंगे दुपट्टा के साथ में रेडी होने के बाद। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी टाइप के डिज़ाइनिंग पीसेस के कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आपको मिलते रहे। बहुत सारा खूब सारा डिज़ाइन आया हुआ है जिसका वीडियो मैं लेके आऊँगा आप सभी के सामने। तो आप जितना सपोर्ट करोगे लाइक का बटन दबा के उतना ही ज़्यादा वीडियो आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ।